नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में कल हमने देखा जिस तरीके का सेशन रहा था, गोल्ड ओपन हुआ और ओपन होने के थोड़ी देर बाद ही इसमें एक जंप आनी शुरू हो गई और जो मार्केट के एंड तक कंटिन्यू रही। तो एक बुल रैली थी कल, इसमें मार्केट ने कहीं पर भी गोल्ड ने अपने आप को रोका नहीं और पूरा जो सिर्फ मॉर्निंग सेशन था उसमें थोड़ा सा इसने अपने आप को स्टेबल रखा, सस्टेन किया और उसके बाद जो इसमें एक मूव आना शुरू हुआ था वो ऊपर की तरफ, वो रात तक मार्केट के क्लोजिंग तक कंटिन्यू रहा। इसने 48,800 का लेवल भी कल ब्रेक किया और उसके बाद अपने आप को 48,800 पे इसने अपनी क्लोजिंग दिखा दी। अब बहुत सारे सवाल मेरे पास ये आ रहे हैं कि गोल्ड में क्या करें, गोल्ड में कहाँ बेचें। देखिए, कल मेरा ना कोई वीडियो इस पे इसलिए नहीं था गोल्ड पे खास तौर से, क्योंकि जब मार्केट एक उस डायरेक्शन में जा रहा हो, जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे कि गोल्ड ऊपर जाएगा या कहाँ जाएगा, तो मार्केट उस डायरेक्शन में जा रहा है जो मुझे ये लग रहा है कि शायद इसे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। पर कॉमेक्स पे इसने एक अपना नया हाई बनाया, एक नया रिसेंट हाई बनाया $1796 के अराउंड का, 1796 या शायद 97 था, तो वो जब इसने अपना हाई बनाया तो मेरा व्यू था उसके ही अगेंस्ट जा रहा था। मेरा व्यू देखिए, जब तक ये मार्केट यहाँ 48,300 के ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं कर रहा था, ये मैंने आपको लेवल बता रखा था 370 का एक लेवल बता रखा था कि इसके ऊपर अगर आप सेलिंग में हैं तो आप बाइंग में आ जाइएगा, वो स्टॉप लॉस आप अपना मेंटेन करके रखिएगा। तो इसके बाद इसके इस लेवल के ऊपर मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना। मार्केट से बाहर रहना काफ़ी ज़्यादा समझदारी है, बजाय इसके कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है और आप सेलिंग पोजिशन में बने हुए हैं। देखिए, 48,785 का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, मार्केट में मूवमेंट इस तरीके का था जो एक वन साइडेड रैली जिसे हम कहते हैं, अभी आई क्यों, क्या रीज़न था इसका, उसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। और लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, 49,000 का इसका जो एक ऑल टाइम हाई लगा हुआ है MCX पर, वो एक बहुत ही क्रूशल लेवल है जिसे इसे ब्रेक करना, अगर ये ब्रेक करता है तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे एक नए लेवल्स ये दिखा सकता है मार्केट में। अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो गोल्ड कॉमेक्स पे चल रहा है $1,791, तो वहाँ पर भी अगर उसके हिसाब से हम देखते हैं तो जो गोल्ड का प्राइस है MCX में वो यहाँ से काफ़ी नीचे अभी खुल सकता है, काफ़ी नीचे मतलब $3-4 का भी अगर मैं एक मान के चलूँ तो शायद ₹100 के आसपास भी नीचे खुल सकता है। पर मैं इसमें आपको एक लेवल बताता हूँ, 48,600 के नीचे, 600 से 48,570 के बीच में इसे एक सपोर्ट एरिया मिल रहा है, 600 से 570, यहाँ पर आप थोड़ा सा इस रेंज में समझ सकते हैं। इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें एक जो कल की जो एक अपवर्ड रैली थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ हम देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें ये कंटिन्यू रह सकती है अगर ये इस सपोर्ट एरिया को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता तो, ठीक है। अगर मतलब आप मान लीजिए 48,570 के नीचे अगर ये अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करता है तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि कल जो एक इसमें एक रन आया था ऊपर की तरफ वो ज़रूर उसे एक ब्रेक मिलेगा। देखिए, मार्केट नीचे खुलेगा उसे आप ये मत समझिएगा मार्केट नीचे गिरने लग गया, यहाँ पर गिर के भी हो सकता है एकदम से इसमें एक उछाल आ जाए, क्योंकि सिल्वर भी जो है वो लगभग, अगर मैं MCX की नहीं मैं कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ, कॉमेक्स पर लगभग अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, वो ब्रेक करते ही कॉमेक्स पर वो काफ़ी तेज़ी दिखा सकती है। यहाँ पर हमने उसके लेवल देखने 51,500 के आसपास तक के, तो वो लेवल भी ब्रेक करने में उसे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और एक नए हाई हम गोल्ड और सिल्वर दोनों में लगते हुए देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का मैं एक व्यू लेके चल रहा हूँ कि ये बाइंग, देखिए अगर आप मुझसे मेरा पर्सनली पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ तो बाइंग को मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ, सेलिंग के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलिंग में भी मेरा ये पॉइंट नहीं होगा, मैं आज का दिन शायद क्योंकि इतनी ऊपर है
मैं आज मैं वेट करूंगा कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होके नीचे की तरफ आए। नीचे में मेरा लेवल है 48,300। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा, ये मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल करंट पोजीशन के हिसाब से, जैसा ये 48,800 पे इसने अपनी क्लोजिंग दिखाई है, अगर ये अभी के हिसाब से 48,300 पे आता है, उसे ब्रेक करता है, तो मैं सेलिंग की पोजीशन में एंटर करने के लिए सोचूंगा। और उससे पहले मेरा इसमें बाइंग की तरफ मैं जाना ही नहीं चाहता, मुझे रिस्की ज़रूर लग रहा है, और सेलिंग के लिए मैं अभी वेट वेट करूंगा। व्यू मेरा ये है कि आप अभी अवॉइड कीजिए, जो मेरा आपको सजेशन है, आप अभी अवॉइड कीजिए। आपकी पहले से अगर कोई सेलिंग की पोजीशन है, देखिए गोल्ड में एक अभी एक फाइनल रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, 49,000 का आप लगा के चल सकते हैं, वही इसमें अभी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, देखिए कुछ मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, हमने 46,500 पे बेचा हुआ है, हमने 47,000 पे बेचा हुआ है, और एवरेजिंग कर रखी है, ये उनका एवरेज प्राइस है जो उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो मतलब उस कंडीशन में वो ट्रैप हो चुके हैं कि अब क्या करें। देखिए ये चीज़ इस तरीके से बिल्कुल नहीं होती कि आप किसी चीज़ की एवरेजिंग लॉस में कर रहे हैं। आपका अगर किसी भी चीज़ का आपने कोई एक प्राइस पे कोई चीज़ सेल करी है, देखिए मैं आपको एक दो तरीके बता देता हूँ, अभी इस पोजीशन से निकलने के बाद आपको फ्यूचर में वो ज़रूर हेल्पफुल होंगे। देखिए मान लीजिए आप कोई चीज़ 100 रुपये पे सेल करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज़ सेल कर दी, मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से जा रहा था, आपको यहाँ पर लगा कि बहुत ऊपर आ गया, आपने 100 रुपये पे सेल कर दी, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, आप इससे निकलेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये और ऊपर जाता है, इसका प्राइस आ गया 150। आप एवरेजिंग करने की सोचेंगे कि फिर मेरा प्राइस हो जाएगा 125, वो बहुत गलत है जब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो एवरेजिंग कभी भी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। अगर आप एवरेजिंग को इतना ज़्यादा फेवर करते हैं अगेंस्ट में, तो भी मैं आपको एक सेफर साइड बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने करा था, मार्केट 150 पे आ गया, आप कुछ मत कीजिए, आप इसे और ज़्यादा ऊपर जाने दीजिए, जहाँ भी जा रहा है। एवरेजिंग हमेशा तब होती है जब मार्केट ऊपर से फिर नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट देगा। यहाँ पर मान लीजिए ब्रेकआउट देता है, ये 175 का लेवल है, यहाँ पर आपने 100 पे सेल किया था, यहाँ 175 पे सेल किया, पहली चीज़ कि आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं होंगे यहाँ पर, दूसरी चीज़ आपका जो एवरेज लेवल है वो और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ये 125 का था, ये 137-138 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। आप पहले ब्रेकआउट पे आप सेल करेंगे, मार्केट का अगर ट्रेंड ही बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट है, आप पहले बारी में सेल करेंगे आपकी पोजीशन फंसेगी, दूसरी बारी में मैं जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ 175 पे आपने सेल किया, यहाँ भी आपकी पोजीशन फंस सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आपने कोई चीज़ सेल करी। आप इतना ज़रूर है कि यहाँ से निकलते ही आप एकदम से इसमें कुछ एवरेजिंग आपकी जो आपका एवरेजिंग था उससे थोड़ा सा एक माइनर सा लॉस लेके आप निकल जाए, इतना ज़रूर हो सकता है, पर यहाँ से भी मार्केट टर्न कर सकता है। देखिए जब एक एक चीज़ देखी गई है, एक प्रोबेबिलिटी देखी गई है कि 3 बार अगर कोई ब्रेकआउट लेवल आपको मिलता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से भी और ऊपर जाता है, 225 या 250 तक का लेवल मिलता है, वहाँ पर आपने फिर सेल किया, मान लीजिए 250 का ये लेवल था, फिर आपने सेल किया, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होंगे। आपने 3 लेवल पे सेल किया, एवरेजिंग आपकी मान लीजिए यहाँ पर कहीं आ रही है, और ये आपका बहुत फेवरेबल लेवल भी होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, ये फेवरेबल लेवल होगा आपका, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, और वो मार्केट भी काफ़ी क्रैश की तरह हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एक रन जिसमें उसने एक ब्रेकआउट यहाँ दिखाया था, एक ब्रेकआउट यहाँ दिखाया था, और एक ब्रेकआउट यहाँ दिखाया, उसके बाद उसे और ज़्यादा ऊपर अपना रन दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक अपना एवरेज जो है वो करके चल सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें तब देखी जाती हैं जब आप किसी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, तो वो आप मैनेज कितना सही तरीके से कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पर देखी जाती है। लेवल्स तो देखिए सबके सामने, आपके सामने भी हैं, आप भी कोई एक रैंडमली लेवल चूज़ कर सकते हैं, मार्केट को देख के कर सकते हैं, मार्केट को बिना देखे भी आप कर सकते हैं, पर हमारे पास कुछ टूल्स ऐसे हैं कि जिससे हम थोड़ा सा ये जज कर सकते हैं। मतलब ये मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ कि मार्केट में एक ब्रेकआउट लेवल, वो चार्ट्स को देख के आप भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आएगा, आप सेल करते हैं, आप अगर पोजिशन में ट्रैप हो गए, आपकी बहुत
छोटी सी पोजीशन है। पहली चीज़ क्या, फंड्स को आप इतना यूटिलाइज ना कीजिए। मान लीजिए आपका 100 रुपये का अगर पोर्टफोलियो है, तो उसमें 100 के 100 आप उसमें आप डाल देते हैं, और वो फिर आप पोजीशन उसी से कैरी करते हैं। आप एडिशनल कैपिटल लगाने के लिए तैयार इतना इजीली मत रहिए। आपने वहाँ पर बेचा था, आप 30-40 रुपए का एक अमाउंट लेके आप वहाँ पर बेच सकते थे। थोड़ा सा आप M2M के लिए रखिए, थोड़ा सा आप उस चीज़ के लिए रखिए कि जहाँ पर आपको एवरेजिंग करने का मौका मिले। अगर आप स्टॉप लॉस को इतना स्ट्रिक्टली मेंटेन नहीं कर रहे हो और आपका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, ये मैं उन ट्रेडर्स के लिए कह रहा हूँ जो बहुत ही एक उन लेवल्स पे ट्रैप हो जाते हैं जहाँ पर पहुँचना अब ऐसा लगता है कि जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए लेवल्स तो खैर सारे आ जाते हैं। आज गोल्ड 49,000 पे है, कल को ये 40,000 भी आपको दिखेगा। कोई बहुत बड़ा मैं आपको गैप नहीं दिखा रहा हूँ, 40,000 बहुत इजीली दिख जाएगा, पर कब दिखेगा, तब तक ही आपको कितना लॉस कर सकता है। हो सकता है कि ये इस रैली में 55,000 60,000 के लेवल भी दिखा दे, तो क्या लेवल ऊपर में हो सकता है वो भी हम नहीं कह सकते। हम सिर्फ वेट कर सकते हैं कि गोल्ड को कहाँ तक हम देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। नीचे में मैंने आपको एक सपोर्ट एरिया बताया कि ये अगर इस एरिया को सक्सेसफुली ब्रेक नहीं करता नीचे में, तो इसे यहाँ तक भी सपोर्ट मिल सकता है। मार्केट हो सकता है नीचे खुले और यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करे, फिर इसमें एक जंप आए, तो यहाँ तक भी अपने आप को सस्टेन कर सकता है। इसके बाद भी इसमें एक जंप आ सकती है। उसके बाद ये 570 का लेवल अगर ये नीचे में ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट मैं देख रहा हूँ वो 350 से 300 के बीच में देख रहा हूँ। ये थोड़ा सा एरिया रहेगा जहाँ पर इसे सपोर्ट मिल सकता है। इस बीच में कहीं से भी ये टर्न मार सकता है। इसे भी अगर ये ब्रेक कर देता है, तो चांसेस ये होंगे कि आपकी जो सेलिंग की पोजिशन है वो आप देख सकते हैं, और फिर आप स्टॉप लॉस अपना बना के चलिए। देखिए मार्केट एक सिंगल साइडेड अभी चल रहा है। सेलिंग में ज़रूर हमें दिक्कत आएगी, पर आँख बंद करके भी सेलिंग नहीं करनी है हमें कि हम सेलिंग कर दिया, हमने होल्ड किया हुआ है। ऐसे में स्टॉप लॉस आपके ज़रूर लगेंगे, आप लगवाते चलिए जितने आपको लगवाने हैं स्टॉप लॉस, पर जब प्रॉफिट आपका होना होगा वो हमारा एक पोजीशन जो है वो हमारी समअप होती चली जाएगी, पोर्टफोलियो हमारा बढ़ता चला जाएगा अगर जब ये मार्केट थोड़ा सा टर्न लेगा। अभी देखिए जब तक एक रैली होती है ना, तब तक उस रैली से या तो हम बच सकते हैं या फिर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी फ़ायदा उठाने का इस लेवल पे भी मुझे रिस्क लग रहा है। या तो थोड़ा सा ये नीचे अगर वापस जंप लेगा, तो मैं थोड़ा सा एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि इसमें वापस हमें एक एंट्री लेनी चाहिए ऊपर की तरफ बाइंग साइड में। पर फिलहाल के लेवल्स में मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग में। मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर जाके एकदम से वो नीचे आना शुरू करे, तो थोड़ा सा मुझे बाहर रहने का मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा गोल्ड पे आज का वीडियो। बने रहे मेरे साथ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।